अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ मैंने मटन ले लिया है, मटन को अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ यखनी पुलाव। जो दादी नानी वाला रेसिपी होता है वही है, तो थोड़ा सा नए तरीके से है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन का करी ले लिया है और छोटा सा अदरक। अब इसको मैं खलबट्टा में कूट लूँगी। तो दादी नानी लोग क्या करती थी ना कि साबुत जो है कि टुकड़ा जो है कि लहसुन अदरक और प्याज वगैरह को कूट करके वो लोग एक पोटली में बांध करके तो डाल देती थी। तो मैंने यहाँ पे कुकर में बना रही हूँ मैं, कुकर में थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अदरक लहसुन मैंने कुकर में डाल दिया है। एक प्याज लिया है, प्याज को रफली कट करके मैं डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने एक चम्मच सौंफ लिया है, एक चम्मच धनिया लिया है साबुत, एक तेज पत्ता, चार पांच जो है कि लौंग लिया है, तो चार पांच मैंने छोटी इलायची लिया है, एक टुकड़ा मैंने डाला है यहाँ पर दालचीनी का, और यहाँ पर मैंने कुछ काली मिर्च लिया है। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूंगी। तो गोश्त में मैंने थोड़ा सा फैट रखा है, इससे क्या होता है ना यखनी पुलाव वगैरह बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं दही को ना मैंने मिक्सर में चला लिया था, तो मुझे रायता भी बनाना है, तो इसलिए तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है इसमें, और 1 चम्मच नमक। तो सब चीज़ को अच्छे से मिक्स करके इसको कुकर में मैं ढक्कन लगा के 3 सीटी लगा दूँगी। तो थोड़ा सा कसर रखना है, मगर कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चावल में भी गलेगा। अगर हम लोग ज़्यादा कच्चा करेंगे तो चावल में गलेगा नहीं है फिर। तो आलू ले लिया है यहाँ पर, मैं इसमें आलू भी डाल रही हूँ। तो एक आलू का इस तरह से 4 टुकड़ा मैं कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आलू को भी कट कर लिया है। तो जब तक गोश्त हो रहा है ना, तब तक मैं रायता वगैरह बना के रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने खीरा लिया है, तो खीरा को कद्दूकस में इस तरह से मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो यहाँ मैंने 2 खीरा लिया हुआ है, 1 चम्मच मैंने काला नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने चीनी डाला है इसमें, और 1 चम्मच मैंने जो है धनिया पुदीना का जो है चटनी डाल दिया इसमें, थोड़ा चटपटा अच्छा लगेगा, तो मैंने चटनी में डाला है। तो अब मैं इसमें दही डाल दूंगी। तो इन सब चीज़ को अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। तो अब यहाँ मैंने भुना हुआ जो है ना कुटा हुआ जीरा लिया है, और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च, इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सिंपल वाला जो है कि रायता बनाया है खीरा का, प्याज वगैरह मैंने नहीं डाला है इसमें। तो ऊपर से थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा डाल दिया है, और थोड़ा सा लाल मिर्च। तो ये देखें बहुत ही टेस्टी जो है कि रायता बन के तैयार है। तो ये यखनी पुलाव जो है ना रायता वगैरह के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोगों को फिर सालन डाल के खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए सादा बना रही हूँ मैं। तो यहाँ गोश्त भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो गोश्त को ना मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो गोश्त को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब जो भी ये यखनी है इसका, मैं इसको छान लूंगी।
अब इसको अच्छे से ना छन्नी का मदद से जो है कि मैं सारा मसाला को इस तरह से स्पून से करके तो अच्छे से मैं छान लूँगी सब। तो ये यखनी से भी बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक हांडी ले लिया है, इसमें मैंने तेल डाला है, 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। यहाँ पर मैंने लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और एक चक्री फूल जो स्टार जेनर्स बोलते हैं वो मैंने डाल दिया है। अब मैंने प्याज डाला है इसमें, इसको अच्छे से मैं प्याज को भून लूँगी। तो प्याज को यहाँ पर ब्राउन करना है, हल्का ब्राउन। तो ये प्याज जो है कि ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी और आलू को भी थोड़ा सा प्याज के साथ फ्राई कर लूंगी। तो आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैंने यहाँ पे गोश्त डाल दिया है, गोश्त को भी मैं अच्छे से भून लूंगी, इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर ये जो है कि बिरयानी वाला चावल है, तो मैंने इसको 1 घंटा पहले ही भिगा दिया था चावल को। अब चावल को भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो चावल को भी यहाँ पर मैंने गोश्त आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो यखनी था वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो इतना पानी से जो है ना चावल अच्छे से पक जाएगा, तो पानी ज़्यादा डालने का और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने डाला है चिकन पाउडर, मेरे पास था वो डाला है, और 3-4 4-5 हरी मिर्च डाल दिया है, और नमक जो है 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। तो इसको सब चीज़ को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने नमक वगैरह चख लिया है, अभी नमक बाद में डाल नहीं सकते, अगर नमक कम होना तो इसी स्टेज में डालने से तो खाना में अच्छा रहेगा, फिर बाद में नमक ऊपर से नहीं डाल सकते इसमें। अब ढक्कन लगा के इसको मैं पका लूँगी। तो ये खाना जो है चावल जो है पक चुका है, लेकिन अब इसको दम में लगाना है, तो इसमें पानी थोड़ा थोड़ा पानी है। अब मैं इसको ढक कर के 10 मिनट के लिए ना धीमी आंच में छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर यखनी पुलाव बनके तैयार है। खुशबू तो कमाल का आ रहा है, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है इसका, बहुत ही मुझे टेस्टी लग रहा है देख के ही। तो यहाँ पर हम लोग कलर वगैरह यूज़ नहीं करते इसमें, ऐसे ही सादा ही अच्छा लगता है। तो चावल भी कितना खिला खिला बना हुआ है। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा, मेरे पास ब्राउन अनियन था तो मैंने यहाँ पे छीट दिया है। अब खाना ना सर्व कर लूँगी मैं, काफ़ी टाइम हो गया है, 3 बज गया, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो चावल भी खिला खिला बना है, आलू भी बहुत ही अच्छा मैंने के बना है, टूटा नहीं है, गोश्त भी टूटा नहीं है, गल गया है सब मगर टूटा नहीं है, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई होप कि आज का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो यहाँ यम्मी सा डिलीशियस सा जो है कि रायता और यखनी पुलाव बनकर तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।